Whatever is in you, you are projecting it on others outside. If you feel you are not loved, and you will project that on others, and you think the others don't love you. Hasn't this happened to you? Look back and see in your own experience. Forget about all the philosophy. Keep it aside. Just look at your own attitude, tendencies. You know, I know spiritual masters in the past, if some would not even meet people who have some negativity in them. If someone is gloomy, negative, they say, this is your karma, you experience it, finish it, and then come to me. They don't even talk to them. And the Sangat also used to do that. The Hindi may be bowling, I'll tell it in Hindi also a little bit. जो हमारे पूर्वज है गुरुजन थे वो किसी के मन में नकारात्मकता है तो उसको पास ही नहीं आने देते थे। बोलते थे तुम अपना कर्म झेलो झेलो कुछ भी आके वो रोने दो रोना दो ना करे तो वो इधर मुंह कर देते थे रोवो दो अपना कर्म है काटो फिर जब तुम्हारा अच्छा कर्म आता है तब मेरे पास आता कहते थे कि देखिए मेरा हमारा कान जो है ना भद्रं करने भी श्रणिया देवा मेरे कान से अच्छा ही मैं सुनना है यही तो प्रार्थना होती है वेद मंत्र में कहते हैं मेरे कान अच्छा ही सुने मेरे आंख अच्छा ही देखे मेरा जिह्वा से अच्छे वाणी निकले इसके अलावा कुछ हो तो ये इसे दूर रखो देखो छोटा बच्चा टट्टी करता है तो माँ पहुंचाती है अब बड़ा हो के भी सब जगह टट्टी करते रहे तो क्या करेंगे जाओ बाहर जाओ कोई नए नए बच्चे हो पेशाब कर लेता कहीं पर भी तो माँ सह लेती है मगर ज्यादा बड़ा होने पर बदबू आने लगता है उसको दूर रखते हैं अपना खाने के पास नहीं रखते पायखाने में जाओ बोलते हमारा कुछ ऐसे ही लोग है किसी किसी के दिमाग में कोई चीज घुस जाती है वो किसी ना किसी पर द्वेष करते ही रहते हैं एक आदमी आज नहीं तो आज एक हो परसों एक है पिछले साल किसी और पर उनका नाराजगी था कोई ना कोई आदमी को बहाना बना करके अपना दुख का कारण बन के दुखी बने रहते हैं और वो सिर्फ खुद ही नहीं दुखी रहते वो दुख फैला देते हैं चारों ओर पीपल हु आर मिजरेबल दे डोंट कीप द मिजरी टू देमसेल्फ दे स्प्रेड इट टू अदर्स अराउंड देम सो the gurus of the past, they would not let those people even come in the satsang. You know, they say let them go through their stress release and then they come. They won't even talk to them. Because they say, it's like putting cow dung in a good pudding. Everyone is so happy, everyone is celebrating. One person comes and hey, my mala or my somebody stopped me, somebody took my seat, somebody did this, somebody did that. And that spoils the whole. Not only they are in out of their own ignorance, they are into their misery. If you associate with them, you also get sucked into the negative. So always they used to say, keep away from this. Not to blame them, not to feel they are down, but to say that
They are releasing stress. Keep away from them. Don't let those stress get into you. कहते थे ऐसे लोगों के, अरे इनसे दूर रहो, अभी इनका कर्म कुछ ऐसा है, कटने दो. और मैंने देखा है सारी संगत उनको ऐसे अचूत जैसे बना देते थे, कोई उनसे बात तक कर नहीं करते. हमको दया आती थी, करुणा आती थी, बाकी लोग कोई भी बताते, अरे ये तो स्ट्रेस रिलीज है इनका, तो दूर रहो इन. एक तरह से मैं समझता हूँ ये सही है, क्योंकि क्यों गोबर क्यों डालें भाई अपना खीर बना के उसमें, दोनों गाय का ही है. मगर दूर रखो उसको. समझ नहीं है. आध्यात्मिक पथ में भी आके छोटी बुद्धि रखने वाले लोगों को क्या कहोगे? इधर राग उधर द्वेष, इधर राग उधर द्वेष. अरे देखो तो एक ब्रह्म सनातन सब में है, और उसी के वजह से कहीं ना कुछ कर्म के हिसाब से सब चलता रहता है. मेरे को इसने वहां रोका, मुझे उसने वहां दे दिया, इसने देखा नहीं, उसने ये नहीं किया. ये सब फिजूल बातों से, अज्ञानता से डूबे रहते हैं, दुखी रहते हैं लोग. हमें इन सब से उठना पड़ेगा. जीवन यही लिए हमको सिखाता है बार बार, चाहे घर में चाहे बाहर, कोई ना कोई ऐसे महापुरुष होते ही हैं. जो दुखी रहते हैं औरों को दुखी करते रहते हैं. अब उनके ऊपर भी बरसने से क्या फायदा, फिर तुम भी वही वैसे ही होगे. इसीलिए सब झेलना पड़ता जीवन, झेलो. और ऐसा करो कि अपने मन से संबंध विच्छेद कर देना. क्या मन से उनका संबंध विच्छेद, वो अपना कर्म काटे फिर आने दो, फिर अपना. ये बड़ा ये युक्ति है, ये स्किल है. दिस इज ए स्किल टू मैनेज योर कॉन्शियसनेस, योर माइंड. अदरवाइज यू नो समवन और अदर विल ट्राई टू स्पॉइल योर सेलिब्रेशन, स्पॉइल योर वेरी गुड मूड एंड ब्यूटिफुल लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस. And don't let them do that with some dose of ignorance. Do you see what I'm saying? So here again, the knowledge will help you to again and again and again come back to the self, self-referral value. How many times I have said, when you feel troubled by others, see them as rag dolls. They're only there to give you what is due to you. At least in the knowledge, in the spiritual path, when you keep it, you will save your mind. Save your mind at all cost. Apne man ko har halat mein bachao. Tabhi anandmayi chetna tum ho. अभी वो गाना है ना, प्रेममयी आनंदमयी. हमारी चेतना ऐसे आनंदमयी चेतना, हमारी माने सिर्फ मेरा ही नहीं है, आप सबकी चेतना आनंदमयी चेतना. और सबकी आनंदमयी चेतना में किसी का इसका उसका ये सब बातें हम उसमें घर कर लेते, मगर ये मुश्किल है. मैं जानता हूँ ये बहुत मुश्किल है, महर असाध्य नहीं है. इट इज डिफिकल्ट टाइम, बट इट इज नॉट इम्पॉसिबल. सो यू स्ट्राइव टूवर्ड्स दैट, एंड इंस्टेड व्हाट वी डू, वी गेट सक्ड इनटू इट, एंड नॉट ओनली वी बिकम मिजरेबल, वी मेक अदर्स मिजरेबल, एंड देन द चेन ऑफ मिजरी बिगिंस.
And then one gets into a sort of depression. This is completely uncalled for, especially in the knowledge, for the sadhak. Yeah, I think that's good enough for today, no knowledge. Quite a bit to digest, right? क्या करें कुछ कुछ लोग सीखते ही नहीं है मैंने भी देखा है कहते हैं 10 साल 20 साल बेचारे क्या कर सकते हैं उनका ऐसे ही स्वभाव है फिर हमको क्या करना पड़ता है बेचारे क्या करें वो तो ऐसे ही है इन ये ऐसे ही हैं ऐसे करके अपने मन को उनसे हटाना पड़ेगा ये करो उनको सुधारने की चेष्टा नहीं करो तुम लोग हमसे ही नहीं हो पता तुमसे क्या हो यू नो सम पीपल आर हार्ड नट्स आई कैन नॉट चेंज देम ओनली विश दैट वेट फॉर द टाइम टू change them and you cannot change also people that is a we again we come back to our first point accept the things are there. At least you will be at peace hum chahte hain har cheez mein perfection apne khud ki perfection bhul jate hain tum kitne imperfect ho tum hamare ek teacher hote the master स्कूल में हाई स्कूल में वो कहा करते थे कि जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे के बारे में चुगली के वो बोलता है शिकायत करता था तो वो कहते थे कि तुम्हारे पत्ते पर तुम्हारे थाली पर गदा मरा पड़ा है तुम दूसरे के पत्ते के मक्खी दिखा रहे हो बोलते थे तुमको दूसरों की थाली की मक्खी दिखती है तुम्हारी थाली पर देखो गधा मरा पड़ा हुआ है वो बड़ा इम्पैक्टफुल होता है सी इवन स्कूल टीचर्स इन दोज डेज इवन टुडे दे आर दे हैड सच विजडम एंड सच सेंस ऑफ ह्यूमर यू नो Once, you know, in the mathematics class, a teacher forgot to close the bracket on the other side. You know, you close the bracket when you write a formula. A1 square plus B1 square plus equal to something, and then you close the bracket. So he forgot to close one side of the bracket. At that time, one guy stood up. He was wearing a turban. Topi, and he asked the master, "Why didn't you close the other side, the bracket?" He said, "You are covering both top and bottom. You better cover the other side." वो बोले मैं नहीं किया तो माने उनमें दोष दिखता है वो बोले नहीं तुम अपना करो मुझ में दोष देखता है तुम अपना दोष को देखो तो अपना करो बुद्धि उपयोग करो वहां पर कहते थे सो द टीचर्स यूज टू हैव सच विजडम एंड आज भी है आई थिंक इवन टुडे मेनी टीचर्स हैव द सेंस ऑफ ह्यूमर एंड विजडम एंड ऑल दिस इज There, when you take your job as a joy, you know, as sacred, or as when you consider your job not just as a duty but as something close to your heart, right? Many people do seva, but they do it with all their heart. But then they say, my seva, I did it, and so
I must be recognized, oh, this and that. हम अपना पुराना कहावत है ना, नेकी कर कुएं में डाल. तुमने अच्छा कर दिया ना, कर दिया, खत्म. तुमने रंगोली बना दिया, बना दिया. वह बाद में कोई उस पर चल पड़े, नहीं चल पड़े, क्या तुम्हें क्या करना है? और उसको लेके तुम दुखी हो जाओगे. अरे मैंने रंगोली लगाया, उस पर कोई पांव रख के चला गया. अरे चलेंगी कभी तो कोई ना कोई, कब तक टिकेगा? दुनिया ही नहीं टिकती है, छोटी छोटी चीजें कहाँ टिकने वाली है. मगर दुखी हो ना हो तो कुछ ना कुछ बहाना ढूंढ कर व्यक्ति दुखी बना रहता है, ये उसका कर्म है. इसीलिए कहते हैं स्ट्रेस रिलीज. यू नो, इफ समवन वांट टू बी अनहैप्पी, दे विल फाइंड सम अदर रीजन टू बी अनहैप्पी एंड दे विल रिमेन लाइक दैट.